सत श्री अकाल जी, पंजाब न्यूज़ बुलेटिन वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां सिमरनजीत कौर गिल। खबरों तो पहला नजर मार लेने मुख सुर्खियां ते। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे नाल हुई किसानों की मीटिंग, झोने की खरीद नूं लैके सरकार का प्लान भी तैयार। झोने की खरीद ते स्टोरेज नूं लैके मंत्री कटारू चक ने दिता बयान, कहा किसानों के खात्यां च पाए गए 3000 करोड़ तो वध पैसे। सीएम मान नाल मीटिंग तो पहला बोले बलवीर राजेवाल, इस तरह जारी रहेगा धरना। पटियाला दी अनाज मंडिया च पहुंचे प्रताप बाजवा, मुख्यमंत्री मान नूं पुछे सीधे ते तिखे सवाल। हुण खबरां विस्तार दे नाल। किसान जथेबंदियों के वलों अज मुख्यमंत्री भगवंत मान हरन के नाल चंडीगढ़ विखे एक अहम मीटिंग की गई। दरअसल बीते दिन किसानों के वलों चंडीगढ़ के धरना दिता गया, जिस तों बाद मुख्यमंत्री ने मीटिंग लई किसानों नूं सद्दा दिता सी। इस मीटिंग तों बाद मंत्री हरपाल चीमा ने जानकारी दी है कि सरकार झोने की खरीद नूं लैके प्लान बी तैयार कर रही है अते किसानां दीआं मंगां नूं लैके सरकार ने अपनी सख्ती दा वी इजहार कीता है। ना ही सरकार ने किसानां नूं भरोसा दवाया कि उन्हां नूं जिहड़ियां दिक्कतां परेशानियां आ रहियां ने जल्द उन्हां दा निपटारा कीता जाएगा। पंजाब दीआं लगभग 25 किसान जथेबंदियां, जिन्हां विच 2 मजदूर जथेबंदियां और एक आढ़ती एसोसीएशन दी जिहड़ी जथेबंदी आ, उन्हां दे नाल मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी दी, लालचंद कटारू चक जी, साढ़े फूड मिनिस्टर साहबान दी, साढ़े सारे अधिकारीगण उस मीटिंग शामिल होए। बहुत अच्छी मीटिंग जिहड़ी अज किसान जथेबंदियों नाल हुई आ, क्योंकि कुछ इशू जिहड़े सीगे, जिहड़े जीरी दी प्रोक्योरमेंट नूं लैके, झोने दी जिहड़ी खरीद नूं लैके इशू पैदा हो गए सीगे, अज उन्हां दे समाधान दी जिहड़ी गल आ उह किसान जथेबंदियों ने रखी। बड़े पॉजिटिव सुझाव राजेवाल साहब ने, लखवाल साहब ने, कादियां साहब ने, उन्हां दे होर साथियों ने बड़े अच्छे तरीके दे नाल अपने सुझाव रखे और मानयोग सीएम साहब ने उन्हां सारे सुझावों नूं बड़े पॉजिटिव ढंग दे नाल, बड़े अच्छे ढंग दे नाल लिया। और मैं समझना 1-2 दिनों दे अंदर सारियां समस्यावां जिहड़ियां माड़ियां मोटियां ग्राउंड लैवल ते पैदा होईयां, कई जगह ते बारदाने दी समस्या आई, कई जगह ते आड़तियां च लिफ्टिंग दी समस्या आई, मंडियां च लिफ्टिंग की समस्या आई, कई जगह पर शैलर की जी समस्या सामने आई। वो मैं समझना सारे इशू 2-3 दिन के अंदर अंदर सरकार जी सारे हल कर दू। मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने सारिया जथेबंदियों उन्होंने लीडर साहबान भरोसा दवाया गा कि बिल्कुल सारा कुछ स्मूथली होगा, कोई किसी किस्म का कट बर्दाश्त नहीं होगा, कोई जी ब्लैकमेलिंग की जेकर कोई व्यक्ति किसान की करता वो बर्दाश्त नहीं होगी, वे खिलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और किसान दा दाना दाना जिहड़ा हैगा वो सरकार खरीदूगी और खरीद के सेंटर सरकार नूं जिहड़ा असीं भेजांगे, क्योंकि वे जिहड़ा जिहड़ी समस्या आई सी कि चावल पेंडिंग पिया सी, सेंटर सरकार ने नहीं चक रहे सीगे, वो सारे दी लिफ्टिंग जिहड़ी आ सेंटर सरकार ने स्टार्ट कीती आ। दे बारे मेरे साथी लालचंद कटारू चक जी ने पहला ही तुहानूं डिटेल च दस्सिया गा कि किन्नी लिफ्टिंग जिहड़ी आ वह हो चुकी आ और लगातार लिफ्टिंग हो रही आ। और स्पेस जिहड़ी आने वाली इस झोने की जिहड़ा चावल पैदा होगा उहदी जिहड़ी स्पेस आ उह अच्छी स्पेस जिहड़ी आ हुण तक बन चुकी आ। और उहदे लई मैं समझदा ना किसान दी समस्या होगी, ना आड़ती दी समस्या होगी, ना शैलर मालक दी समस्या होगी। भोजन अते सप्लाई मंत्री लालचंद कटारू चक ने अज इक अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती, जिस विच उन्हां ने झोने की खरीद, स्टोरेज अते होर मुद्दियां नूं लैके अहम जानकारी सांझी कीती है। उन्हां दा कहना है कि 3000 करोड़ तो वध रुपये किसानां दे खात्यां च पै चुके ने ते आउण वाले दिनां दे विच स्टोरेज नूं लैके वी पुख्ता प्रबंध कीते जाणगे। फूड अते सप्लाई मंत्री लालचंद कटारू चक ने अज चंडीगढ़ विखे किसानां दीआं मंगां नूं लैके अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती। उन्हां ने 3 मुद्दियां बारे जानकारी दिती, जिस विच झोने की खरीद की स्थिति, स्टोरेज संबंधी पंजाब की स्थिति ते मिल मालकां दीआं मंगां बारे विचार वटांदरा कीता गया सी। मंत्री मुताबिक दसंबर तक सरकार दे कोल 25 मीट्रिक टन तो ज़्यादा स्टोरेज होवेगी। उन्हां कहा कि किसानों के खात्यां दे विच 3000 करोड़ रुपए तो ज़्यादा की रकम पा दी गई है। मंडी च आया 18,31,588 ते 16,37,517 एक खरीदा जा चुका है। सो 2,62,169 MT 2,62,169 MT मंडियां चो लिफ्टिंग हुई है।
ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਉਹ 3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰਾਈਵਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ 2,62,169 MT ਅਤੇ 2024 ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 85 ਲੱਖ MT ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 24 ਤੱਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ 99% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਗਡਾਊਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 9.5 ਲੱਖ MT ਦੀ ਸਪੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 9.5 ਲੱਖ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੋਰੀ। ਸੋ 9.5 ਲੱਖ MT ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟਰ ਟਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PR 126 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਵਜੇ ਸੱਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਧਰਨਾ ਹਲੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ 4 ਵਜੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਨ ਮੰਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ। 185 ਲੱਖ ਟਨ 'ਚੋਂ ਅੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਗਰ ਫੇਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ 18 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
प्रताप सिंह बाजवा अज पटियाला दियां अनाज मंडियां दे विच पहुंचे हुए सन। इस मौके उन्होंने मंडियां दा जिथे दौरा किया उत्थे ही उन्होंने सरकार दे अगे कई तरह के सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि सरकार ने PR 126 लगाउण दे उत्ते बड़ा जोर दिता सी, पर उस तो बाद हुण कई तरह दियां दिक्कतां परेशानियां सामने आ रही ने जिन्हां दा हल पंजाब सरकार नहीं कर रही। विधानसभा दे विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा अज पटियाला दी कनौर अते सनौर मंडी दा दौरा करन वास्ते पहुंचे हुए सन। इस मौके उन्होंने सैलर मालकां तो अलावा आड़तियां अते किसानां दे नाल वी गलबात कीती तां उन्हां नूं पता लग्या कि इत्थे हजे तक झोने दी लिफ्टिंग अते खरीद नूं लैके कई तरह दीआं समस्यावां दरपेश आ रहीआं ने, जिस तों बाद उन्होंने मान सरकार नूं सवाल पुछे ने। मैनूं बहुत वड्डा अफसोस है कि हर चीफ मिनिस्टर भावें इस तों पहले कोई भी रहा किसी भी पोलिटिकल जमात दा रहा ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਮੈਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਰ ਸਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 8 ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਾਰ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਘੜ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ तकरीबन 185 लाख मैट्रिक टन झोना मंडिया में आता है। 99% झोना जोड़ा है उन्होंने शैलर वाले मिलिंग करते हैं तो सेंटर उन्होंने को ले, क्योंकि पंजाब पता है अक्सर असी चावल नहीं खाते, सो 1% इतने असी अपने वास्ते रखने। 99% साडा चावल जोड़ा FCI खरीदती है पंजाब की एजेंसियों के जरिए। हुण तुसीं वेखो कि जिस मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फूड मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर 6 महीने पहले मुलाकात करनी चाहिए सी, क्योंकि पिछले साल का जिहड़ा मिल होया जिहड़ा शैलरां तो मिल होया चावल वह होंदा तकरीबन 125 लाख मिलियन टन जिहड़ा जिहड़ा भी है मैट्रिक टन जिहड़े ने वह साडे कोल शैल होके आंदा है जिहड़ा झोना वह चावल पिया ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਨੂੰ PDS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਸਤਾ ਚਾਵਲ ਦੇਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੌਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 5% ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਨੌਰ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। आए दिन पंजाब दे विच पराली साड़न दे कई मामले सामने आ रहे ने। ताज़ा आंकड़े दसते ने कि 60 नवे मामले सामने आए ने, जिस तों बाद ये मामला होर भी संगीन हुंदा जा रहा है। तो दूजे पासे किसान कहिंदे ने कि सरकार उन्हां दी बाह नहीं फड़ रही, जिस करके उन्हां नूं पराली साड़ना वधेरे सौखा लगता है ते इस विच ज़्यादा लागत भी नहीं आउंदी। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1348 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ 59 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਘਰਸਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
इन्नी महंगी मशीन एक आम इंसान की पकड़ तो बाहर है जी, वह भी पूंजीपतियों को मशीन ने वो इस चीज़ को सामभण वास्ते गठा बना इन्ने ज़्यादा पैसे लेंगे ने जोड़े किसान वास्ते भरने बहुत औखे ने। कारण इदा भी साडा थोड़ा जिहा थां इत्थे हुंदा आ वी आपणा वैक्सीन वसून लाउणे पट्ठे रलाउण लई, इस करके असीं कनाल दो कनाल नूं लाई सीगी। मैं कहा चलो हुण कोई साधन नहीं सानूं इन्ना मिलदा, छोटे जिमीदार नूं नहीं गा उहदे इत्थे आ सकदा ना ही खरीद सकदे आ, उह थोड़ा इस कारण करके थोड़ा जिहा इन्ना कम कीता सी वी चलो पट्ठे पुट्ठे इत्थे रला लईए ते इस करके थोड़ा जिहा लाई। काबिले गौर है कि पराली साड़न की समस्या उत्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीते दिन टिप्पणी की सी। मान ने कहा सी कि पराली साड़न की समस्या लई इकला पंजाब नू जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। अज धन धन गुरु रामदास पातशाह का प्रकाश पुरब है, जिस मौके पर देश भर के गुरुद्वारों में सिख संगत नतमस्तक हो रही है। तो दूजे पास श्री अमृतसर साहब के विखे भी अलौकिक दृश्य अज वेखने मिले, भारी तादाद के संगत गुरु साहब के दर्शन करने वास्ते पहुंची हुई सी। इस मौके तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह ने सिख कौम के नाम एक संदेश भी जारी किया। चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज का अज प्रकाश पुरब दिहाड़ा बड़ी ही धूमधाम के नाल मनाया जा रहा है। इस मौके श्री अमृतसर साहब विखे लखां दी तादाद दे विच संगत नतमस्तक होने वास्ते पहुंची अते पवित्र सरोवर दे विच इस्नान भी किया जा रहा है। इस मौके गुरु घर नूं खूबसूरत ढंग दे नाल सजाया गया अते तख्त श्री केसगढ़ साहब दे जथेदार सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह दे वलों सिख कौम दे नाम संदेश जारी किया गया। सोडी सुल्तान पिता धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज जिन्हां दा अज प्रकाश गुरपुरब समुचियां ही संगतां वल्लों सिख पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा भावना अते उत्साह दे नाल मनाया जा रहा है। और अज सतगुरां दे प्रकाश गुरपुरब दीआं खुशियां नूं मुख रखदिआं होइआं 9 बजे तो लै करके 12 बजे तक सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे सुंदर जलौ सजणगे, जिथे सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे जलौ सजणगे उत्थे बाबा अटल राय साहब जी विखे श्री अकाल तख्त साहब जी विखे भी जलौ सजणगे। और सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब, जिस महान गुरपुरब उत्ते बेअंत संगतां हाजरियां भर रही ने, सतगुरां के दर्शन दिदारे करके खुशियां प्राप्त कर रही ने, उत्थे संगतां नूं यह बेनती है कि जिन्हां ने अजे तक ठंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया, अमृत छके गुरु वाले बनो, सिंह सिंघणियां सजो, नशियां का त्याग करो। दूजे पासे इस पवित्र दिहाड़े मौके गुरु घर विखे अरदास बेनती करन आई अते गुरु का आशीर्वाद लैन आई संगत का की कहना सी ये भी सुनो। बड़ी कृपा आई महाराज की जी, आनंद आ गया कि वो आप कर रहा जी साहब जी, ये उहदी देण आ, पर कुछ भी नहीं, कोई गल कहन तो बयान नहीं कर सकते, उस घर की कोई कह नहीं सकते भी ये जिहड़ा भी आ गया तर गया, ये 84 कट्टी की जिहड़ा भी 4 गेटा तो अंदर हो गया वो पार तारा हो गया उहदा, ये जिन्ना भी इस घर दे विच सलाघा की जी थोड़ी आ किणका भी जिहदे हिरजे वस गया उहदी महिमा गणी नहीं कर सकता कोई। अज धन धन श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश दिहाड़ा, जिहड़े गुरु नानक साहब जी चौथी जोत उहनां दा जो प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा, देशां विदेशां तों संगतां दा हाल जिहड़ा आया होया है ते संगतां दा ठाठा मारदा कट वेखण नूं मिल रहा है ते संगतां विच बहुत उत्साह भरिया दिखाई दे रहा है। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 'ਚ ED ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਰਿਹਾ ਹੋਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਨੇਤਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
अब देखिएगा वो तो अब मैं उन चीज़ों को बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता जिस तरह का उन्होंने कोशिश की है। ठीक है, अब उनका ऐसा ही मन है, ऐसे ही लोग हैं तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने तो वहाँ पर जैसे आप खाली चोट लगने की बात कर रहे हैं, इन्होंने सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने की कोशिश की कि कोई मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता है, तो इस तरह का। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट सबसे सीवियस पनिशमेंट कहलाती है, 15 दिन से ज़्यादा ना मर्डरर्स को नहीं रखते उसके अंदर, 15 दिन से ज़्यादा महीनों रखा गया सोलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर कि भाई किसी से बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो उन्होंने तोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जो भी हो सकते थे। तिहाड़ जेल के अंदर कैमरे सब जगह लगे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिल रही आपको? वहाँ पे क्रिमिनल्स भी हैं बहुत सारे, उनकी फुटेज क्यों नहीं मिल रही? सत्यन जैन की क्यों मिली? ये कहते हैं सत्यन जैन के लिए ना, देखिएगा क्या शानदार खाना खा रहे हैं, खीरा, टमाटर, संतरा और केला, ये 4 चीज़ें थी। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, जब मैं जेल गया था मैंने 1 साल तक अन्न नहीं खाया था और वहाँ से खरीद के खाते थे। कैंटीन है वहाँ पर, कैंटीन के अंदर पैसे दे के खरीद सकते हैं। आपको कहूँ तो मैं बहुत सारे बिल दिखा सकता हूँ, सारे बिल हैं। कहते सत्यन जैन ने पानी पिया, अरे भाई साहब खरीद के पिया, बिसलेरी का पानी वहाँ मिलता है सबके लिए, मेरे लिए अलग से नहीं है। सत्येंद्र जैन के देखो टीवी लगा हुआ था, अरे भाई टीवी मेरे यहाँ नहीं लगा, सबके यहाँ टीवी लगा हुआ था, अगर मेरे यहाँ लगा तो कोई अलग से नहीं था। मेरे साथ तो ये अलग से ये था कि मुझे अकेले रखा गया था, मैंने बाद में लिख के दिया उनको, डॉक्टर ने मुझे कहा भाई इनको अकेले ना रखे, साथ में रख लो। कहते नहीं अकेले रखेंगे, इसको तोड़ना चाहते हैं हम। एक्सक्लूसिव बेड रेस्ट कि मेरे को कहा गया था, मुझे अस्पताल में रखना था कि वहाँ के स्टाफ ने बोला कि जी हम आपको ओपीडी में ना रख के, हम आपको चक्की कहते हैं रूम को कहते हैं, वहाँ रख लेते हैं और फैसिलिटी वहाँ पे दे देंगे। मैंने कहा मुझे जब झुकना मना है, मैं कुछ उठा नहीं सकता, कम से कम 1 महीने के लिए एक्सक्लूसिव बेड रेस्ट किया गया था कि 1 महीने तक आपने हिलना भी नहीं है। तो उस टाइम पर मेरे पैरों में इसमें बहुत ज्यादा पेन था, तो उन्होंने अरेंज किया था। जिक्र खास है कि सतेंद्र जैन नू मई 2022 दे विच ईडी दे वलों गिरफ्तार किया गया सी। बीते दिन उन्हां दी रिहाई तो बाद आम आदमी पार्टी च खुशी दी लहर वेखण नू मिली है। दिवाली का त्यौहार आने वाला है, जिस तो पहला पटाकियां नू लैके कई तरह के विवाद ते मसले पैदा होंदे विखाई दे रहे ने। लुधियाणा ते जलंधर की गल करिए तां फिर उत्थे ड्रॉ निकले ने, ते दुकानदारां दा कहना है कि नवें दुकानदारां दे नाम ते पर्चियां निकलियां ने। ओह दुकानदार अजिहे ने जो महंगे भाव दे उत्ते पटाके वेचदे ने। इस बाबत दुकानदारां ने पुलिस कमिश्नर दे नाल भी मुलाकात की। लुधियाणा की दाना मंडी विखे लगन वाली पटाका मार्केट नू लैके विवाद शुरू हो गया। 1700 तो वध पर्चियां पाईयां गईयां सी ते 40 दुकानां ते ही ड्रॉ निकले ने, जिस तो बाद अज पटाका एसोसीएशन दे वलों पुलिस कमिश्नर लुधियाणा दे दफ्तर पहुंच के एक बैठक कीती गई ते कहा गया कि जिन्ना पटाका कारोबारियां दे ड्रॉ निकले ने ओह महंगे भाव ते पटाके वेचदे ने ते ओह नवे ने। अज शुभम अफसर डीसीपी जिहड़े लुधियाणा दे है उन्हां नूं मिले है, सीपी साहब ने कहा सी उन्हां नाल मुलाकात कर, जिहड़ी एसोसीएशन है लुधियाणा फायर वर्क एसोसीएशन जिहदे 30-40 मैंबर आ उहदे विच, वह हर साल 30-30 साल हो गए उन्होंने पटाकों का काम करते, पर कोई लोग 500 रुपए की फाइल लैके पर्ची पा रहे हैं, वो निकल जाती है, उन्होंने पता नहीं कि यह पटाका की है। वो साबित कर देने 500 आइटम है, 500 आइटम जी उन्होंने लोग दर्जना का कौड़िया का रेट दसते हैं, पर वो देखते हैं किस का रेट है, ये वो दस दिन जिन्हों की पर्चियां निकल दी उन्होंने ब्लैकमेल कर रहे हैं, कोई 4 लाख मंगता कोई 5 लाख मंगता, जेडे एसोसीएशन के व्यापारी कितने जा। दूजे पासे अजिहा ही कोई हाल जलंधर च वेखण नूं मिलिया। कुल 133 व्यक्तियां ने दिवाली मनाउण लई पटाके वेचण लई आरजी लाइसेंस लई अप्लाई कीता सी, इन्हां विचों 4 अर्जियां रद्द कर दित्तियां गईआं ने। इस मौके पुलिस अधिकारियों तो अलावा डिप्टी कमिश्नर दफ्तर, नगर निगम, फायर ब्रिगेड जलंधर के कर्मचारी भी मौजूद रहे। फायर क्रैकर के जो लाइसेंस जारी कर रहे थे उसके संबंध में आज ड्रा कढ़े गए, ये साढ़े को 133 जो एप्लीकेशन जी सू प्राप्त हुई सीधे जो 129 जोड़े वो सफल हुए थे, कुछ रिजेक्ट हो गए थे, पर उन्होंने 129 असं 20 ड्रा कढ़े आ, ये बिल्कुल मानजोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो हदायत है उन्होंने पालना कराई गई है और बिल्कुल जरा पारदर्शी तरीके अब ड्रा जरा चढ़िया सिरे चढ़िया जिसे 20। जिक्र खास है कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है, जिस तो पहला पटाकों को लेकर जिथे दुकानदारों को फिक्र सता रही है उथे ही प्रदूषण की चिंता तो सरकार भी कई तरह के हथकंडे अपना रही है। आज दे पंजाब न्यूज़ बुलेटिन विच बस इन्ना ही, कल फिर हाजिर होवांगे नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल। धन्यवाद।